छोटे से कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बनाएंगे एकदम परफेक्ट मेथड और मेजरमेंट के साथ। आज हम ये चॉकलेट ब्राउनी बनाएंगे। चॉकलेट ब्राउनी और चॉकलेट केक में डिफरेंस क्या रहता है ये भी आगे बताऊंगी। और आज हम ये ब्राउनी बिना ओवन के यानी कि गैस पे बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले डार्क चॉकलेट लेंगे 1/3 कप और मेजरमेंट से देखा जाए तो 80 ग्राम चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। इस तरीके से एकदम बारीक कट करके लीजिए तो ये जल्दी मेल्ट होगी। एक बर्तन में पानी गर्म रखेंगे और उसके ऊपर स्टील का या कांच का कोई भी बाउल रख के इस तरीके से उसमें चॉकलेट मेल्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप चॉकलेट का बाउल रख रहे हैं वो नीचे पानी को टच नहीं होना चाहिए। आज का हमने जो मेजरमेंट लिया है ब्राउनी का उससे कम से कम वजन में 600 ग्राम ब्राउनी तैयार होगी और पीस देखे जाए तो 12 पीस 2x2 के तैयार होंगे। बस इतनी चॉकलेट मेल्ट हो जाए अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब जाड़े तले का कोई भी बर्तन लेंगे, इसके अंदर स्टैंड रखेंगे और इसे ढक के धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर इस तरीके से बटर पेपर सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ली है प्लेट। ये प्लेट 9x4 की है। यहाँ पे आप गोल या स्क्वायर कोई भी प्लेट ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप बटर ले रहे हैं तो बटर या तो फिर रिफाइंड ऑयल से इसे ग्रीस कीजिए। देखिए अब हमने जो चॉकलेट मेल्ट की थी उसमें 1/4 कप जितना दूध डाल देंगे और दूध हल्का सा गर्म डालना है और चॉकलेट गर्म हो तभी हल्का गर्म दूध डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बड़े से बाउल में जो मेल्ट की हुई चॉकलेट थी वो ले लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा करके उसके बाद लीजिए। मैंने यहाँ पे 1/2 कप यानी कि 100 ml दूध लिया था, उसमें से 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। कोई भी तरह का फ्लेवर नहीं हो ऐसा तेल का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तेल की जगह पे आप बटर ले सकते हैं। 1/2 कप दही डाल देंगे। दही बहुत खट्टा नहीं लेना है। अब इसे अच्छे से फेंट के मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है पर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस तरह के सारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो जाए। अब इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। 1 कप और वजन में 140 ग्राम जितना मैंने गेहूं का आटा लिया है वो भी मैदे की छलनी से छान के। अब यहाँ पर पीसी हुई शक्कर डाली है। पीसी हुई शक्कर आपको 3/4 कप और 150 ग्राम वजन में लेनी है। 1/2 कप कोको पाउडर लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं, वो खास ध्यान रहे। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। हमेशा सूखे इंग्रेडिएंट्स को छान के लीजिए ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और गेहूँ के आटे को मैदे की जो बारीक वाली छलनी आती है उससे छान के ही लीजिए। अब इसमें 1.5 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गेहूं के आटे की ब्राउनी मैदे से बनी हुई ब्राउनी जैसी ही लगती है, तो आप मैदे की जगह पे बच्चों को गेहूं के आटे की ब्राउनी खिला सकते हैं। अब ये बताती हूँ कि ब्राउनी और केक बनाने में डिफरेंस क्या रहता है। ब्राउनी में सिर्फ बेकिंग पाउडर डलता है जबकि केक में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डालते हैं। ब्राउनी का बैटर जो केक का बैटर होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। इन दोनों वजह से जो ब्राउनी है वो फजी बनती है जबकि केक होती है वो स्पॉन्जी बनती है। और ब्राउनी को एक अच्छा टेस्ट और टेक्सचर देने के लिए इसमें चॉकलेट डाली जाती है जबकि केक में वो नहीं डलती। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है एकदम गाढ़ी। जितनी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होगी उतनी ही आपकी ब्राउनी फजी बनेगी। अब इसमें 2 पिंच इतना नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो लीजिए हमारा ब्राउनी का मिक्सचर तैयार है। अब हमने जो प्लेट तैयार की थी उसमें सारा बैटर डाल देंगे। प्लेट को इस तरीके से थोड़ा सा टैप करेंगे और स्पैचुला की मदद से बैटर पूरी प्लेट में फैला लेंगे। अब ऊपर से थोड़े से वॉलनट डालेंगे। यहाँ पर आपके पास वॉलनट नहीं हो तो इसकी जगह पर आप बादाम या तो काजू भी चॉप करके डाल सकते हैं। अब गरम किए हुए बर्तन में ब्राउनी की प्लेट को सेट करेंगे। बर्तन को ढक के कम से कम 35 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे इसे पकने देना है। 35 मिनट के बाद बर्तन को खोलेंगे और ब्राउनी को चेक करेंगे।
ब्राउनी अच्छे से सेट हो गई है। देखिए एक बार चाकू की मदद से अंदर से भी चेक करेंगे कि अंदर से ब्राउनी अच्छे से पकी है कि नहीं। इस तरीके से बीच में चाकू डाल के देखेंगे। देखिए चाकू पे बिल्कुल भी आटा नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि हमारी ब्राउनी तैयार है। अब इसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। आधे घंटे बाद कम्प्लीटली एकदम से ठंडी हो जाए ब्राउनी, उसके बाद इसे प्लेट में से निकालेंगे। ब्राउनी को बटर पेपर से अलग करेंगे। ब्राउनी के पीस करने से पहले कम से कम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा होने दे, या तो फिर फ्रीज में रख दीजिए 1 घंटे के लिए अगर आपको जल्दी हो तो। ब्राउनी एकदम ठंडी होने के बाद अगर पीस करेंगे तो ब्राउनी के पीस बहुत ही अच्छे से होंगे और ब्राउनी बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं। तो लीजिए हमारी सुपर टेस्टी और चॉकलेटी ब्राउनी तैयार है। देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ, बनी है ना एकदम परफेक्ट पहाड़ जैसी। यहाँ पे आपको सिर्फ शक्कर का ध्यान रखना है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो 3/4 कप से लेके 1 कप तक आप शक्कर इसमें डाल सकते हैं। माइक्रोवेव में ब्राउनी कैसे बनानी है उसकी भी रेसिपी डाली हुई है, जिसकी वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी वो मुझे YouTube में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।